हेलो जी नमस्कार, मैं हूँ शेफ हरपाल। तो आज मैं ऐसे नाश्ते की चीज़ बना रहा हूँ जो बनाने में भी मज़ेदार है और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। मैं बना रहा हूँ मिक्स वेज ऑमलेट। क्या करना है, सबसे पहले आलू ले लेता हूं। आलू को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और जिस तरह से मैं काट रहा हूं वैसे भी काट सकते हैं, और इस तरह से लंबे लंबे लच्छे काट लेते हैं। चलिए, दो छोटे आलू काट लिए। अब ये आलू को एक बोल में ले लेते हैं। इसमें हेल्दी बनाना है इसलिए गाजर, ठीक है, सुबह सुबह ये चीजें मिल जाए तो मजा आ जाए। प्याज, कैप्सिकम, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसी में थोड़ी अजवाइन डाल लेता हूँ मैं। नमक डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा, और आप कर सकते हैं नमक शबत, टेने 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 टेने, ये लीजिए। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। वाह क्या बात है, ये लीजिए, बढ़िया। इसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं और ये आलू का मिश्रण इसमें बढ़िया डाल दिया हमने, इसकी हालत पे छोड़ देते हैं। और एक बोल लेते हैं जिसमें हम बेसन डालेंगे एक कप, हींग डाल लेते हैं चुटकी भर, अजवाइन, बेसन है तो अजवाइन है, ठीक है जी, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक यहाँ भी डाल लें, ज्यादा नहीं, नमक चमक कर। पानी डाल के घोल बनाएंगे, बहुत गाढ़ा नहीं बनाऊंगा मैं घोल, पतला बनाएंगे, ठीक है। ये परफेक्ट घोल बन गया, बढ़िया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ऊपर नीचे ताकि आलू, कैप्सिकम, प्याज सारी चीजें पक जाए। ये आपने पहले सौते करना है, ठीक है जी। कुछ लोग यही सोच रहे थे कि नहीं, हम तो बेसन के घोल में सीधा डाल के पका सकते, नहीं पका सकते क्योंकि आलू नहीं पकेंगे। अब जब आपको लगे कि आलू बढ़िया पक गया है तब इसमें हम एक काम करेंगे, हम लेते हैं ये घोल। ये देखिए घोल थोड़ा गाढ़ा हो गया है, बेसन को ऐसे ही रखेंगे ना तो घोल जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा इसमें, इसलिए पानी मिला लेता हूँ। ये ले लिया और ये इसके ऊपर डाल लेते हैं, ये इसको ढक देते हैं और आंच को धीमे कर लें, ठीक है जी। तो इसे ढक के धीमे आंच उस पर पकाना, तेज आंच पे पकाएंगे तो जल जाएगा बेसन, पकेगा नहीं, और ढक के रखेंगे तो भाप से ऊपर का लेयर भी पक जाएगा तो पलटने में आसानी होगी। अब ये देखिए ये बढ़िया पक गया है, राइट, आसानी से हिल गया। एक बार फॉर्म हो जाए तो आपको पता है आपका ये जो बढ़िया ब्रेकफास्ट वाला आइटम है तैयार है। इसको मैं अब पलट लेता हूँ, ये वाह क्या बात है, आलू बढ़िया क्रिस्प हो गए, वाह जी वाह। ये हमारा सुंदर सा ऑमलेट तैयार है, सुपर। ये देखिए क्या बात है, लग रहा कि नहीं, बढ़िया है ना। इसको काट लेते हैं, आलू एकदम क्रंची, बढ़िया, ऊपर का लेयर आपको लग रहा है थोड़ा सा काला काला जला हुआ, लेकिन इतना मजेदार है पूछिए मत। वाह, परोसने के लिए ये मेरे पास प्लेट। टेक्सचर देखिए आप इसका, बिल्कुल ऑमलेट जैसा टेक्सचर, ये देखिए। इसको परोस लेते हैं, ये वाह, थोड़ा हरा धनिया डाल लें। मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसा नाश्ता बनेगा ना तो आप बनाते रहेंगे किचन में और लोग खाते रहेंगे। अब नाश्ता स्वादिष्ट, मज़ेदार, एक नए अंदाज में बना के खाइए।